स्टूडेंट का स्वागत है आपका फिर से बॉय एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई में पूछे गए पीसीबी के फिजिक्स के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आपका आर इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा हुआ सबका रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होगा क्योंकि इट्स कनेक्टेड बाय ए कंडक्टर। तो अगर देखा जाए, अगर ये सब कुछ सेम है तो इसका मतलब ऊपर वाला कुछ भी कनेक्शन में है ही नहीं। और पॉइंट ये और ये की बात करें तो ये दोनों पॉइंट एक रेजिस्टेंस और ये दोनों पैरल में हो जाएगा R बाई टू, और यहाँ पर भी पैरल हो जाएगा R बाई टू, और इन दोनों का सम करने के बाद आपका आ जाएगा R, और ये भी R है और R फिर से पैरल में, और आंसर हो जाएगा हमारा R बाई टू। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा है एक मशीन गन है जो फायर करता है बुलेट्स को, 40 ग्राम के बुलेट है जिसकी वेलोसिटी है 1200 मीटर पर सेकेंड, और एक मैन जो है वो होल्ड कर सकता है 144 न्यूटन को। तो आपको क्या करना है, बस फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है एफ इक्वल टू एम ए, और यहाँ पर आपको फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पुट कर दीजिए, मास यहाँ पर 40 ग्राम है यहाँ पुट कर दीजिए, और एक्सेलरेशन पता चल जाएगी आपको। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप उठाकर कहाँ डालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है और बुलेट फायर पर सेकेंड, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा V माइनस यू बाई टी, और यहाँ पर टी की वैल्यू क्या रखें ताकि एक्सेलरेशन इतना ही आ जाए। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको पता चलेगा कि थ्री टाइम्स का अगर आपने थ्री बंदूक है यानी 1/3 निकलेगा टाइम, और इसका मतलब हर सेकेंड में तीन गोलियां अगर दागी गई हैं तो आपका ये फोर्स 144 न्यूटन ही होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप उठ करके देखिएगा, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। एक वेरिएबल मास बॉडी है जिसका मास वेरी करता है, और इसका मास है 10 किलो स्टार्टिंग में, और 10 किलो स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी थी उस टाइम पर कितना था, 7 मीटर पर सेकेंड इनिशियली। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इंक्रीजेस, अचानक से वेलोसिटी इंक्रीज कैसे हो सकती है, जरूर मास डिक्रीज हो गया होगा, राइट? तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन से लगा लेंगे, मास इनटू वेलोसिटी जो होगा मोमेंटम देगा वो सेम ही देगा। तो इस केस में 10 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 14 इंटू क्या, 10 इंटू 7 70, 14 इंटू क्या, 14 इंटू 5, तो 5 kg आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी 33 का करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक करंट, अ करंट आई थ्रू अ रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 100%। एक करंट है जो कि 100% से इंक्रीज कर गया, राइट? तो आपको बताना है कि उसका पावर डिसिपेशन कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल सा बात है, अगर मान लेते हैं करंट है हमारा 2 एम्पियर, सपोज करंट है हमारा 2 एम्पियर, और ये 100% से इंक्रीज कर जाता है तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा, राइट? 100% से इंक्रीज यानी सेम 2+2 आ जाएगा और हमारा 4 एम्पियर हो जाएगा। चलिए इस केस में पावर निकालने के लिए आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगा देंगे। आई स्क्वायर आर इस केस में और आई स्क्वायर आर इस केस में लगाने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर आर की वैल्यू कुछ भी 1 मान लीजिए, सेम दोनों के लिए 1 मान लीजिए, और आई स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर पावर 4 वाट, और यहाँ का पावर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा 16 वाट। तो कितना इंक्रीज दिखाई दे रहा है, इंक्रीज तो 12 का दिखाई दे रहा है, कितने से, 4 से, तो परसेंटेज कितना होगा, 12/4 × 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 × 3 = 12, 300% 300% का हमको इंक्रीमेंट दिखाई देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ परसेंटेज आपको लगाना था, इजी था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये उससे भी इजी क्वेश्चन है। आपको बोला गया है एक ईको जाकर वापस भी आ गई, कितनी देर में, 3 सेकंड में जाकर वापस आ जाती है, और तो पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड वॉल और द सोर्स क्या होगा। इसका मतलब कोई आवाज वॉल से टकरा कर सोर्स से निकलती है और टकरा कर वापस भी आ जाती है 3 सेकंड में, इसका मतलब है कि इसके हाफ टाइम में ये यहाँ तक पहुंच चुका होगा, हाफ टाइम बोले तो 1.5 सेकंड में पहुंच चुका होगा, राइट? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा लीजिए। स्पीड आपको दिया हुआ है वेलोसिटी 342 × 1.5, टाइम ले लीजिएगा 1.5 टाइम,
तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 513 ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, इको का है तो वहां पर आपको टाइम हाफ करना पड़ता है क्योंकि हाफ डिस्टेंस ही यहाँ पर होता है जो साउंड ने ट्रेवल किया उसका डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड आपका वॉल। चलिए बात कर लेते अगले क्वेश्चन की, जो कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्टेज अक्रॉस आर थ्री, ये जो आर थ्री है इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल, यहाँ पे पहले सबकी वैल्यू दे देता है, यहाँ पर 15 दे दिया इसका, 15 दे दिया इसका, और आर थ्री का दिया है 30 और आर फोर का दिया है 35। तो चलिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं जो कि इजीली होगा, ये दोनों सीरीज में 15 15 30 30 30 का पैरल हो जाएगा 15 15 प्लस 35 आपका हो गया टोटल आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है यहाँ पर 50 वोल्ट। तो आपका आई कितना होगा, आई इक्वल टू वी बाय आर यानी 1 एम्पियर का हो जाएगा, यानी 1 एम्पियर का करंट यहाँ से जाएगा, इन दोनों का सम 1 एम्पियर होकर यहाँ से जाएगा और यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा इस जगह पर आर फोर पे दिखा रहा हूं मैं, वोल्टेज कितना होगा आर फोर पे हो जाएगा वी इक्वल टू आई आर, वोल्टेज कितना हो जाएगा वी इक्वल टू आई आर, आई है 1 और 35 यानी 35 वोल्ट, यहाँ टोटल वोल्टेज है 50, 35 ये खा गया तो बचा कितना, इस जगह पर कितना बचा, इस जगह पर बचा 15 वोल्ट, तो इस जगह का आंसर हो जाएगा 15 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिख रहा है। एक और तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 एम्पियर है और ये भी 30 यानी 0.5 इधर क्योंकि 1 एम्पियर जब आ रहा है तो 1 एम्पियर जब आ रहा है और आधा आधा बट गया क्योंकि दोनों तरफ इक्वल रेजिस्टेंस था तो 0.5 इधर, तो V इक्वल टू आई आर कर लीजिए, V इक्वल टू आई आर आई इंटू 30 आपका 15 वोल्ट आएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपका इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक नॉर्थ पोल लिया गया है, एक लॉन्ग बार मैग्नेट लिया है, उसका नॉर्थ पोल को क्या किया है स्लोली इंसर्ट किया जा रहा है एक सोलेनोइड में उसको स्लोली जाया जा रहा है और वो कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर और इसमें एक नॉर्थ पोल से आपको मैग्नेट को स्लोली डाला गया तो और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बीच में रुका, यहाँ पर कहीं बीच में थोड़ी देर के लिए रुका और फिर अचानक से रैपिडली दिखाया कि बाहर खींच लिया, तो किस टाइम पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब बहुत तेजी से खींचा गया है जिस टाइम पर मैक्सिमम फ्लक्स में लिंकेज आपको दिखाई दे तो उस समय होता है। तो कहाँ लिखा है मूविंग टुवर्ड्स द सोलेनोइड, नहीं मूविंग इनटू द सोलेनोइड, नहीं एट रेस्ट, नहीं मूविंग आउट ऑफ द सोलेनोइड। तो ऑप्शन नंबर डी, जब मूविंग आउट किया है वही रैपिडली किया है इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गर्ल कैरिंग ए स्कूल बैग 3 kg का और बैग मूव करती है लेकर 20 मीटर एक प्लेन ग्राउंड पर, जी की वैल्यू देती है और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पूछ रहा है, ग्रेविटी पूछ दिया अगेंस्ट द, चला इधर ग्रेविटी लगती इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री, वर्क डन एफ एस cos थीटा cos 90 जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी पूछा है, अगर वर्क डन बाय गर्ल पूछा होता तब हम आराम से निकाल लेते F इंटू एस कर लेते, फोर्स यहाँ से निकालते 30 × 200 आ जाता, ऑप्शन में भी होगा बट वो करेक्ट आंसर नहीं है, ग्रेविटेशन का पूछा है तो वो तो जीरो है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, रेडियस आपका अर्थ है, एक अर्थ ले लेते हैं जिसका रेडियस आर है और कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर गया 2r तक गया, ठीक है मान लेते हैं ये आर अगर 1 मीटर है तो ये कितना होगा 2 मीटर होगा। ये सारे क्वेश्चन आप रेशियो प्रोपोर्शन से बना सकते हैं, ईजी होता है बनाना, क्यों, क्योंकि सारे कट जाते हैं वैल्यू कुछ भी तो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं आपका। अब बात कर लेते हैं कितना होगा जी का वैल्यू, तो फॉर्मूला आपको जी एच का पता होना चाहिए, जी एच का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल आर 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 प्लस एच का होल स्क्वायर, ये सब कुछ पुट कर लेंगे यहाँ पर, आर की वैल्यू क्या 1 1 + 2 का स्क्वायर, तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका g/9, ऑप्शन नंबर g/9 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डेप्थ के लिए, हाइट के लिए, फॉर्मूला सब आराम से पुट कर लेंगे, निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट हैज एन इमेज थ्राइस इट्स ओरिजिनल साइज व्हेन कैप्ट 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो बताना है आपको कि फोकल लेंथ कितना होगा। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का होता तो बना लेते, बट ये एक्चुअली में रे डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंथ है, आपको पता है चीजें कब बड़ी बनती है, यानी इमेज कब बड़ा बनता है। एक तो जब इंफिनिटी में रहता है बहुत छोटा सा इमेज यहाँ बनता है, जैसे जैसे हम आगे आते हैं सी पर पहुंचते हैं तो सेम साइज का बनता है, और जब सी से थोड़ा आगे निकलते हैं ना तब जाकर हमको एक उल्टा इमेज यहाँ बियॉन्ड दिखाई देता है, ठीक। और एक और केस है जब हम एफ से आगे निकल जाते हैं, एफ से आगे निकल जाते हैं तब जाकर हमको देखने को मिलता है एक बार और बड़ा इमेज, वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इसी साइड बन जाता है। तो इसको डॉटेड बना देता हूँ मैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए, ये वर्चुअल इमेज बड़ा बनता है। तो ये बड़ा बना और ये बड़ा बना, कब बना, जब यहाँ था यहाँ था। तो इसका मतलब नजदीक वाला मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच में ही तो है फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ इन दोनों के बीच में ही है, तो आंसर भी इन दोनों के बीच में ही होगा, बिटवीन 8 एंड 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। इसका यहाँ पर आपको क्लियर पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ लगाना है आपको, 90 डिग्री पर यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देना है, सीधा साइन आई बाई साइन आर, आपका आंसर इसमें रूट टू आ जाएगा। तो रूट टू विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 42 का आंसर क्या होगा। यहाँ पर सिंपल सा बात है, आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। देखिए फिंगर कैसे घूम रही है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और अंगूठा इस समय राइट हैंड का किधर जाएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द पेपर इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, ठीक है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, तो यही आएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जीएस वाला, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा गया। एट वाट हाइट पृथ्वी से किस हाइट पर, जो आर किस दूरी पर हमारा जो जी का वैल्यू है वो 1/4 हो जाए, जी एस 1/4 आ जाए। और अगर आपने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो आपको पता है ए तब होता है जब आर की वैल्यू हम, हाइट की वैल्यू हम आर के बराबर ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पुट करके देख लीजिएगा, जी एच इक्वल टू जी इंटू आर बाई आर प्लस एच, और आर आर के बराबर हो गया, एच आर के बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 + 1 = 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा आपका जी बाई फोर, और जी बाई फोर यानी 25% हो चुका है, तो वही तो होता है 1/4, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया हुआ है, टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। इफ द टाइम पीरियड इज डिक्रीज टू 10^-4, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू वेव। कुछ नहीं करना है इसमें, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/T होता है। पहले टाइम 10^-3 था, अब टाइम 10^-4 है, बस ये पूरा ऊपर चला जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब देखना भी नहीं था, आराम से इजिली बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। ये भी यहाँ पर देख लीजिए, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ वायर, एक वायर के पिंजरे में बैठा हुआ एक चिड़िया है, और वो जो केज है वो लटका हुआ है कहाँ, स्प्रिंग बैलेंस पे, स्प्रिंग बैलेंस से वो केज लटका हुआ है, राइट, ठीक है। और इसमें एक चिड़िया बैठी हुई है, चलिए वो चिड़िया जब बैठी रहती है तब उसका वेट आता है W1, और जब उसी केज में उड़ने लग जाती है तो वेट आता है W2। तो स्प्रिंग बैलेंस किस समय क्या दिखा रहा होगा, कब ज़्यादा कब कम, तो W1 के केस में ज़्यादा दिखा रहा होगा और W2 के केस में कम दिखा रहा होगा, ऐसा ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, आराम से आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन और भी इजी है, पूछ रहा है विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन, जब किसी पर
बॉल को फ्री फॉल किया जा रहा है। फ्री फॉल किया जा रहा है यानी कॉन्स्टेंट एक्सलेशन लगेगा जी का, और कॉन्स्टेंट एक्सलेशन का ग्राफ कौन सा होता है, जो सीधा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। निगेटिव एक्सलेशन वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, जी की वैल्यू निगेटिव में लेते हैं, निगेटिव डायरेक्शन में, बट वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन राहुल वर आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या था, चूज द स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल इन पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, हाँ सही बात है, ये तो सही बात है, इनकरेक्ट तो है नहीं। दूसरा, द ब्लू कलर लाइट प्रेजेंट इन व्हाइट सनलाइट स्कैटर्ड मच इजली देन द रेड लाइट, ऑब्वियसली ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड होता है। डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी बात सही है। द नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर बिगर देन द वेवलेंथ, नहीं ये बात गलत है, बिगर तो नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो ये गलत है, तो इसीलिए 47 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाइट रे इज डिवेटेड बाय अ प्रिज्म, एक प्रिज्म से लाइट को डिवेटेड किया जा रहा है, उसके बाद पूछ रहा है डिवेशन एंगल और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में क्या ग्राफ बनेगा। आपको पता है पहली बात कि कभी भी लाइट जो जाती है सबसे ज्यादा डिवेट कौन करती है, सबसे ज्यादा वायलेट लाइट करती है, ब्लू लाइट करती है, सबसे कम कौन करती है, रेड लाइट करती है। तो और दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी जो रेड लाइट है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी आपकी कम होती है, तो रेड लाइट इधर होना चाहिए था, ब्लू इधर होना चाहिए था, ठीक है। तो पहली गलती तो ये है, ये ठीक कर लेंगे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी कम किसकी होनी चाहिए, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, और ब्लू लाइट इधर होगी, राइट। तो ब्लू लाइट इधर क्या है, यहाँ है और यहाँ है, चलो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, ठीक। अब लेकिन डिविएशन, डिविएशन किसका ज्यादा होगा, ब्लू लाइट का ज्यादा होगा, तो यहाँ तो रेड लाइट का ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखा रहा है और ब्लू लाइट का डिविएशन भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 को देख लेते हैं। 49 थोड़ा सा यहाँ पर डेसिमल के साथ खेला गया है, ठीक है, फॉर्मूला इजी है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है आपको। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इफ द चेंज इन वेलोसिटी 0.18 दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया हुआ है और एस इतना दिया है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 3.06 और इनिशियल वेलोसिटी दे दी है 0.34 मीटर पर सेकेंड और चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू का वैल्यू दे दिया है 0.18। इससे आप अपना v भी निकाल सकते हैं, इसको इसमें ऐड कर दीजिएगा, v निकल जाएगा आपका, ठीक है। और v कैलकुलेट करने के बाद आप आराम से तीन चीजें आपको मिल चुकी हैं, s मिल गया, u मिल गया, v मिल गया, एक्सलेशन ही तो निकालना है, एक्सलेशन अब आराम से आप निकालिए। इसमें आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा 0.02 के बराबर, ठीक है, और टाइम उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं गया, एक्सप्रेशन से पूछा गया, इजिली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बस पॉइंट में है इसे थोड़ा सा लेंदी गया है कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, ये आपका इजी आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या क्या आ जा रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है मिरर इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन क्या है, एक प्लेन से थीटा डिग्री से, ठीक है, और यहाँ पर एक रे आया, ठीक, रे जो थीटा डिग्री से आया, जितना ये था उतना ही ये हुआ, तो जो डिविएशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि नहीं, और पूछ रहा है कि देन द रिफ्लेक्टेड रे मेक द फ्लोइंग एंगल विथ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, हॉरिजेंटल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा। इसको आप ध्यान से करेंगे ना, तो जब ये वैल्यू आएगी ये भी थीटा के बराबर होगा और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा और इस वजह से इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, तो नन ऑफ द एवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इसमें से समझ में आ गए होंगे और आपने अपने आंसर शीट भी मैच कर लिया होगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।